Hey guys, welcome to Remodel Bathroom. ये vlog है. अरे bathroom ही तो है ना. आज bathroom है. लेकिन आज हम लोग bathroom में क्यों हैं? So guys, आपने बड़ी बार हमें कमेंटों में लिखा है. कमेंटो फ्रेंडो इनको मैं आदत पड़नी है. फॉर्मेटो फॉर्मेट पाजी नहीं. सॉरी सॉरी कौन सा नहीं है. भिन्न भिन्न लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस दिए थे. उसमें से सबसे ज्यादा हाई रेटेड चैलेंज था आइस बकेट चैलेंज. बट हमने थोड़ा सा रिमॉर्क का तड़का क्या लगाया है. हमने तड़का ये लगाया है कि हम करने वाले हैं आइस बाथ आइस बाथ चैलेंज और इस चैलेंज में ऐसा है कि हम तीनों ये ठंडे ठंडे पानी में बैठेंगे और ठंडे ठंडे पानी के बीच में होंगे ठंडी ठंडी बर्फें और हम देखेंगे कौन सबसे ज्यादा देर आइस में रह सकता है जो सबसे पहले बाहर निकला वो नंबर 3 जो सेकंड निकला वो ऑब्वियसली सेकंड और जो रह गया वो तो लोगों को पता ही नहीं क्या होगा वो हो गया आइस प्रिंस या आइस प्रिंसेस. तो शुरू करते हैं हम अपना आइस बाथ चैलेंज. यार हम व्लॉग के चक्कर में अपनी बहुत बहन बजवा रहे हैं. तू मेरे पैर में मैं जीता हूँ. ये व्लॉग मैं जीता हूँ. वहां से मैं सबसे लास्ट निकली. गौरव ये क्या था गाइस. गौरव करके दिखाएगा गाइस. मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये चैलेंज कैसे किया जाना चाहिए. दिखाओ. मुझे लगता है अभी हमें इस लेवल को एक
और ऊपर ले जाना चाहिए, हमें लेवल टू करना चाहिए, लेकिन लेवल टू को हम हर बार थोड़ा मुश्किल करते हैं, इस बार थोड़ा सा आसान करते हैं, क्योंकि हमारे पैरों की काफी बैंड बच जाती है, हमें ऐसा लगता है हमारे पैर हैं ही नहीं हमारे पास। तो अब एक काम करते हैं ऋषि भाई, सुनना, हम अंदर जाएंगे, हमारे पैर बाहर रहेंगे, हमारी बॉडीज अंदर रहेंगे, चलेगा? आप रेडी हो इस लेवल? आई डू इट फॉर माय व्यूअर्स। अच्छा, और हम किसके लिए कर रहे हैं? आई एम डूइंग दिस फॉर माय सेल्फ। तो अब यानी कि आपका कहने का मतलब बॉडी अंदर जाएगी, हाँ, पैर बाहर बाहर, वो जो पहले निकल गया वो हार गया, ठीक है। 3 2 1 go। अबे यार, ये क्यों चीट कर? मैं नहीं जीतूंगा, हार गया, मैं हार गया। अब मैं देखता हूँ कि इन दोनों में से कौन जीता है, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मोइना, आपसे एक खास सवाल, आप अपने बालों में कौन सा शैम्पू यूज करती हैं? कोई भी शैम्पू करती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ऋषि भाई, आपसे एक खास सवाल, आप अपने बालों में कौन सा शैम्पू यूज नहीं करते हैं? जो मेरे बालों को डैमेज ना करे। कुछ लंबा बोले, इसलिए मैं आपको माइक दे रहा हूँ। मैं इसलिए है क्योंकि आप लोगों का ध्यान बटा रहा है और मैं जाना चाहोगे बाहर? बिल्कुल नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं आप लोगों को ज्वाइन करूं, बट मेरी जो अंदर की आत्मा है वो मुझे रोक रही है। मैं कह रहा हूँ ये मोहिना जीतेगी। अरे मेरी बात मानो, तू वो करेगा तो मैं भी करूँगी। सुनो सुनो यार, आप लोग बैठे कैसे हो इतनी देर अंदर? आप ये लेवल जीत चुके, कुछ बोलो। गाइस, मैं शॉक में हूँ, आई एम फ्रोजन। आप ये चैलेंज जीत चुके हो। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस चैलेंज में सच में मोइना ने अपनी जी जान एक कर दी, और अब तक के रिमोरो व्लॉग्स का ये मुझे सबसे डिफिकल्ट चैलेंज लग रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे पीछे किसी ने बैट से 15 बार 20 बार 30 बार मारा हो। 15-20 यानी कि हो गया 15 और 20 35 और 30 65 टाइम्स मोइना के बम पे किसी ने बैट से मारा है, इन्हें ऐसा लग रहा है। कमीने यार, देखो ऋषि, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, इससे वार्म अप हो जाएंगे। मैं भी कर लेता हूँ, नंब नहीं होंगे। मैं अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली आई थिंक दूसरा ऐसा चैलेंज है जिसमें मैं घुसते ही बाहर निकल आया था। वो आई थिंक पहला वाला गोलगप्पा था जिसमें ज्यादा मिर्ची थी, जिसमें मैंने बैक ऑफ कर लिया था। सबसे डिफिकल्ट चैलेंज था, माय गॉड। आई नो गाइस, हर्ट कर रहा है ना फिजिकली, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन, माय गॉड। सो गाइस, मैं आप सबको कह देना चाहता हूं कि प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं। सो आप ये प्लीज आप घर पे ना करें, बिकॉज इट्स क्वाइट पेनफुल। और प्लीज इस वीडियो को कम से कम कितने लाइक्स यार इस वीडियो को 70K दीजिए, क्योंकि ये बहुत टफ था। मुझे पता है मैंने ये कैसे जीता है, ये बहुत टफ था मेरे लिए, बट जैसा भी था मैंने किया हमेशा की तरह अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रिमोरो व्लॉग्स। और सब्सक्राइब का बटन आ गया, ये लो सब्सक्राइब यार, चिल सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले 3 2 1 go, रिमोरो व्लॉग्स।